एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एक और इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है ब्लूमिया ऑडोराटा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, बहुत छोटी सी मेडिसिन है, स्मॉल सी मेडिसिन है, लेकिन बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली हेमोरेज के केसेस में कहीं से भी ब्लड आपको आ रहा हो, उसमें बहुत ही इफेक्टिव होती है। साथ ही साथ कोल्ड कफ और स्नेस के केसेस में अच्छा काम करती है, और फीवर है अगर आपको तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये कितनी इफ़ेक्टिव होती है, किन किन केसेस में इसको आप यूज कर सकते हैं और किस पोटेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं। वो छोटी सी ड्रग होने वाली है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ब्लूमिया ऑडोराटा एक इंडियन होम्योपैथिक ड्रग है। जैसे कि मैंने पहले बताया, तो इसका जो प्लांट होता है वो इंडिया में वाइडली पाया जाता है। इसकी जो फ्रेश लीव्स होती हैं, ताज़ी पत्तियां होती हैं, उसको आप देखोगे तो टोबैको की लीव्स की तरह दिखाई देंगी। ये बहुत ही एंशियंट टाइम से एज अ एंटी हेमरेजिक हर्ब की तरह यूज होती हुई आ रही है। होम्योपैथी में जब इसको यूज़ किया गया तो उसमें भी इसका एज अ एंटी हेमरेजिक बहुत ही अच्छा असर दिखाई दिया। साथ ही के साथ ये कोल्ड में और हॉर्सनेस में, टर्सियन फीवर में भी बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा इसका यूज होता है। कॉमन नेम की बात करें तो इसको कोकोसिमा या फिर कोकोमोता भी कहते हैं, और इसकी फैमिली है कंपोजिटी। क्लिनिकल्स की बात करें तो ये कफ में, कफ विथ हॉर्सनेस जब होता है तो बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ हेमोरेज, किसी भी पार्ट से आपके हेमोरेज हो रहा हो, ब्लड आ रहा है, तो उसमें अच्छा काम करता है। फीमेल्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, और टर्सियन फीवर में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। ब्लीडिंग पाइल्स की अगर आपको प्रॉब्लम है, बहुत सीर है, उसमें खून बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पे ब्लड आ रहा है, साथ में आपको जलन हो रही है, ऐसे केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बहुत जल्दी अच्छा असर करती है। इसके अलावा फीमेल्स में जहाँ पे उनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम हुई, कभी अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, उसके बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, ऐसे केसेस में इसको यूज किया जाता है और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती है। इसके अलावा मेनोरेजिया के केसेस में, जहाँ पे पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी आता है, हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम पे, उस टाइम में अगर फीमेल्स में ये यूज किया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा असर आता है। साथ ही साथ फीमेल्स में एक और चीज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जब उनको ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है, उसके साथ साथ अगर ल्यूकोरिया में ब्लड आने लग जाए, ब्लडी ल्यूकोरिया हो, तो उस केस में इसके एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। ये सारे फीमेल्स के फीचर्स हो गए। इसके अलावा अगर आपको डायरिया या डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं। डायरिया, डिसेंट्री हो, साथ ही साथ अगर आपको ब्लड आ रहा हो, उसमें इसके एक्सीलेंट रिजल्ट होते हैं। आप बिना सोचे समझे इसको यूज कर सकते हैं और आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा कफ भी बहुत अच्छा काम करता है। कफ हो रहा है, ऐसा कफ हो रहा है, बार्किंग टाइप का कफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बार्किंग कफ हो रहा है, कफ के साथ भी आपको ब्लड आ रहा है, साथ ही साथ आपको हॉर्सनेस बहुत रह रही गले में, गले में आपको बहुत ज़्यादा हॉर्सनेस रहती है, क्योंकि कफ आपको है, कफ की वजह से अगर हॉर्सनेस है, ब्लड आ रहा है, तो ऐसे केसेस में इसके एक्सीलेंट रिजल्ट होते हैं। इसके अलावा किसी भी टर्सियन फीवर के केस में आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी मेडिसिन है, कुछ ही इंडिकेशंस इसके हैं, इन सारे सिम्टम्स के बेस पे आप इसको लेते हैं तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। अगर इसके डोजेस की बात करें तो जैसे अदर इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स हैं, इसको मदर टिंचर फॉर्म में वाइडली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा 2x, 3x में भी कभी कभार यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसके 10 से 15 ड्रॉप आधे कप पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ब्लूमिया के बारे में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी मैं सबको आंसर कर सकूँ, और जो भी टॉपिक्स आप सजेस्ट करते हैं उन पर वीडियो बना सकूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।